क्या एक ब्रेन इंजरी आपको जीनियस बना सकती है? यस, ये कभी कभी हो जाता है और ये बहुत ही दिलचस्प है। दिस इज गौरल रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। What doesn't kill you make you stronger? ये कैली क्लार्कसन का सिर्फ गाना ही नहीं है, शायद ये सच भी हो सकता है। बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है कि ब्रेन इंजरीज के बाद पेशेंट्स में बहुत ही तखलीकी सलाहियतें आ गईं, जो उनमें पहले मौजूद नहीं थी। इसको एक्वायर्ड सवांट सिंड्रोम कहते हैं। 2012 में पिप टेलर नामी एक औरत के गिरने से सर में इंजरी हो गई। उसकी रिकवरी के दौरान उसको पता लगा कि वो पहले से इंतहाई बेहतर ड्रॉइंग कर सकती है, बहुत ही बेहतर ड्राइंग कर सकती है। जैसे कि ये कुछ सैंपल देख सकते हैं। हमें अब पता लगना शुरू हुआ है कि ब्रेन की इंजरीज इंसानी शख्सियत को भी इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि 1848 में जब एक धमाके के दौरान एक रेलवे वर्कर जिसका नाम फिनियस गेज था के सर में एक लोहे की रॉड घुस गई। मौजे की बात यह है कि वो अगले 12 साल तक जिंदा रहा और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स ने भी उसे फिट बताया। अगर किसी के सर में एक रॉड घुस जाए तो वो फौरन ही मर जाएगा, लेकिन गेज का केस बहुत ही अलग है। ये उस रॉड की इलस्ट्रेशन है कि कैसे वो रॉड उसके सर में घुसी थी। ये केस न्यूरल साइंटिस्ट के लिए आज तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बना हुआ है। इसके अलावा भी केसेस हैं जिसमें ब्रेन इंजरी में लोगों को जीनियस वाली सलाहियतें मिली हैं। जैसे कि अमेरिका के एक शख्स जिसको सीरियस झटका लगने से उसकी याददाश्त कम हो गई, मुसलसल सर में दर्द रहने लगा और साथ साथ उसकी समाअत की सलाहियत में यानी हियरिंग एबिलिटी में 35% तक कमी आ गई। लेकिन इस झटके लगने के कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि वो पियानो बजाने में बहुत ही माहिर हो गया है, जबकि उसने पियानो को कभी जिंदगी में हाथ तक नहीं लगाया था। इसी तरह 1994 में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के सर पर आसमानी बिजली टकरा गई जब वो एक पीसीओ में बात कर रहा था। इस वाक्य के कुछ ही अरसे बाद उसने पियानो सोनाटा लिखना शुरू कर दिए और उसने दर्जनों सोनाटाज लिखे और उसने अपनी सीडी भी रिलीज करी जिसका नाम था लाइटनिंग सोनाटाज। लेकिन ब्रेन इंजरी की वजह से सिर्फ आर्टिस्टिक एबिलिटीज ही के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ऑरलैंडो सेरेल जब 10 साल का था तो उसके सर पर एक बेसबॉल टकरा गई, उसको सर में दर्द रहने लगा और जब कुछ दिनों के बाद उसके दर्द बेहतर होने लगे तो उसका एहसास हुआ कि उसको सारी तारीखें और दिन याद थे, जैसे कि वो एक परफेक्ट कैलेंडर बन गया हो। एक्सीडेंट के बाद से उसको हर दिन के मौसम, तारीखें, दिन और ऐसी बहुत सी ऐसी बातें याद थी जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल बात हो सकती है। डिस्कवरी चैनल ने इस पर एक पूरा प्रोग्राम भी किया हुआ है जिसका लिंक मैं कमेंट्स में डालूंगा। इसी तरह एक क्रोएशियन लड़की जब अपने कोमा से जागी तो वो अपनी मातृ जबान नहीं बोल पा रही थी, उसकी जगह वो फरफर जर्मन बोल रही थी जो वो उस वक्त स्कूल में सीख रही थी। अभी तक मिस केज का केस सही से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प और पुरअसरार बात है कि सर पर चोट लगने की वजह से कि क्या क्या हो सकता है। एक्वायर्ड सवांट सिंड्रोम की वजह अब तक मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं है, लेकिन शायद इस बीमारी की वजह किसी भी दिमागी चोट की तंजीमें न हो सकती है। कभी कभार ये कहा जाता है कि जो सलाहियतें इंजरी के बाद इंसान में आ जाती हैं वो शायद ब्रेन में पहले से ही छुपी हुई होती हैं। इसको ऐसे कहें कि इंसान के अंदर वो सलाहियतें मौजूद थीं, लेकिन ब्रेन इंजरी के बाद वो सामने आ गईं। सच कोई भी हो, लेकिन इससे ये बात सामने आ जाती है कि हमारे दिमाग कितने पुरअसरार और अजीब हो सकते हैं। क्या आपके या आपके किसी फ्रेंड या किसी जानने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर कमेंट में मेंशन करें और बताएं, और प्लीज शेयर करें, शायद आपके फ्रेंड्स में किसी के पास कोई बहुत ही दिलचस्प स्टोरी हो आपको बताने के लिए। आज का सवाल आज ही की वीडियो से, ब्रेन की इंजरी के बाद नई एबिलिटी के आ जाने की बीमारी को क्या कहते हैं? जवाब कमेंट में लिखें और याद नहीं तो रिवाइंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और जानें कि वो क्या ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देख लें जिसमें मैंने कोमा और ब्रेन इंजरी के हवाले से डिस्कशन की है।